पलटवार हम देख रहे हैं, दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। खार्किव में रूसी सेना घुस चुकी है और लगातार यूक्रेन की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि उसकी ओर से भी ड्रोन अटैक किया गया है रूस पर। तो दोनों ओर से दावे और वार पलटवार दोनों के बीच जारी है। और इस बीच आपको बता दें, रूसी सेना जाबाजी से अपना काम कर रही है, ये पुतिन ने कहा है। Героические традиции спецназа закладывались в многовековой истории нашей армии. Они закалялись в годы Великой Отечественной войны и продолжались, крепли в Афганистане, во многих горячих точках в ходе ликвидации террористических банд на Северном Кавказе и в Сирии. Хочу поблагодарить командование, личный состав сил специальных операций. तो पुतिन की ओर से ऐलान किया गया है कि रूसी सेना जाबाजी से अपना काम कर रही है, अब चौतरफे हमले किए जा रहे हैं। और जैसा कि हम आपको सुबह से बता रहे हैं कि लगातार मिसाइल अटैक्स रात भर भी कीव पर होते रहे और आज भी इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए वहां के जो ऑयल डिपो हैं उनको निशाना बनाया गया। और रूस की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि वो घेराबंदी भी कर रहे हैं, हमले भी उन्होंने काफी तेज कर दिए हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं। जो ओडेसा शहर है उस पर भी ड्रोन अटैक की जानकारी हमने आपको कुछ देर पहले दी थी। और ऐसे ही लगातार क्रीव की ओर लगातार बढ़ रही है रूसी सेना और अग्रेसिव मोड में नजर आ रही है। चौतरफे हमले किए जा रहे हैं रूसी सेना की ओर से, हालांकि यूक्रेन की सेना भी डटकर सामना कर रही है रूसी सेना का। उसकी ओर से भी दावा किया जा रहा है कि ड्रोन अटैक उनकी ओर से किया गया है रूसी सेना पर और 3,000 रूसी सैनिक को मार गिराने का दावा यूक्रेन की सेना की ओर से किया जा रहा है। 102 टैंक, 16 एयरक्राफ्ट, 540 बख्तरबंद वाहनों को तबाह करने का दावा यूक्रेन की सेना की ओर से किया जा रहा है। लेकिन वहीं रूसी सेना भी अग्रेसिव मोड में नजर आ रही है और पुतिन जो कि कह रहे हैं कि हम जाबाजी के साथ अपना काम कर रहे हैं, सेना आगे बढ़ रही है, घेराबंदी की जा रही है, बमबारी की जा रही है, मिसाइलें दागी जा रही हैं, रॉकेट लॉन्च किए जा रहे हैं और दक्षिण के भी कई शहर हैं जिनकी घेराबंदी करने का दावा रूस की ओर से किया जा रहा है। तो बहुत ही अग्रेसिव मोड में रूस की सेना और उनकी ओर से एक पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि अब हमले तेज कर दिए जाएंगे, क्योंकि पहले बातचीत का प्रस्ताव जो है वो यूक्रेन की ओर से ठुकरा दिया था, इसीलिए उनके हमले और तेज कर दिए जाएंगे। और ऐसे में ऑयल डिपो को आज सुबह से ही निशाना बनाने का सिलसिला तेज कर दिया गया, चाहे वो आप खार्किव की बात करें जहां पर गैस पाइपलाइन में धमाका किया गया, वासिलकिव में ऑयल टर्मिनल में धमाका हुआ, कीव में भी कल से मिसाइल अटैक हो रहे हैं, कीव में ऑयल टैंक फार्म में आग की लपटें उठती हुई देखी गई हैं। तो अपनी ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है रूसी सेना की ओर से कि वो कीव के नजदीक पहुंचे। जो ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, कल उनकी ओर से कहा गया था, जानकारी दी गई थी कि कीव से 30 किलोमीटर दूर है रूसी सेना। तो रूसी सेना की कोशिश यही है कि क्लोजन किया जाए, कीव पर किसी तरह से कब्जा जमाया जाए। अलग अलग शहरों में लगातार धमाके किए जा रहे हैं, बम बरसाए जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं, रॉकेट लॉन्च किए जा रहे हैं। ये चौतरफे हमले रूस की सेना की ओर से जारी हैं, लेकिन यूक्रेन की सेना भी मजबूती के साथ डटकर सामना कर रही है यूक्रेन की सेना का। अभी कुछ देर पहले हमने आपको वो ड्रोन अटैक की तस्वीरें दिखाई थी जिसमें यूक्रेन की ओर से ये वीडियो जारी करते हुए लिखा गया, वेलकम टू हेल, स्वागत है आपका नर्क में। यानी कि इरादे बिल्कुल साफ जाहिर किए जा रहे हैं कि युद्ध का मैदान छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की हुंकार भर रहे हैं कि अंधेरा छटेगा, नई सुबह का आगाज होगा, ये संदेश भी लगातार देने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि नागरिकों को मोटिवेट किया जा रहा है, उनके हाथ में भी हथियार थमाए जा रहे हैं। तो डटकर सामना कर रही है रूस की सेना का यूक्रेन की सेना, ये संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है। और रूस पर यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि उनकी ओर से जो दावे किए जा रहे थे कि नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, ऐसा नहीं है। यूक्रेन की ओर से